सहज कहो पुन पुरुषें जाई, जस कछु कहो निरंजन राई। वाह, शब्दों की संरचना बड़ी अद्भुत है। ऐसा ही सहज ने आकर परम पुरुष से कहा जैसे निरंजन ने बोला था। गयो सहज निज दीप सुखासन, जब पुरुष दीने अनुशासन। सेवा वश सत्पुरुष दयाला, गुण अवगुण नहीं चितमन वाला। अभी यहां आप देखिए धर्मशास्त्रों में उन्हें अभिचल कहा, अभिगत कहा, इसलिए 16 पुत्रों में से वो अपने एक पुत्र को, शब्द पुत्र था, सहज को वो भेजा था। सेवा बस सत्पुरुष दयाला, गुण अवगुण नहीं चितमन वाला। इच्छा कीन पुरुष थे 12, अष्टंगी कन्या उपचारा। अब यहां परम पुरुष ने अष्टंगी की उत्पत्ति की है। मैं इसका प्रमाण देता हूं, बहुत शक्ति थी उनमें। जब देवासुर संग्राम हुआ, सभी देवता परास्त हो जाते थे तो आदि शक्ति से शक्ति मांगते थे। आप विचार कीजिए इस बात पर। मैंने कहा लोग तथ्यों को साफ नहीं रख रहे हैं, इसलिए आदमी की शंकाओं का निराकरण नहीं हो पाता है। पर साहब ने अपनी सहज वाणी में सहज तरीके से सभी तथ्यों को स्पष्ट रखा है। इच्छा कीन पुरुष थे 12, अष्टंगी कन्या उपचारा। अष्टभाय हो कन्या आई, बाएं अंग सुठार लाई। मात नाय पुरुष से कही, अहो पुरुष आज्ञा का सही। मात नवाकर कहा कि आज्ञा क्या है, तभी पुरुष वचन प्रकाशा। वाह, पुत्री जाओ धर्म के पासा। देह वस्त्र सो ले संभारी, रचो धर्म मिल उत्पत्त बारी। बोला जो मैं तुम्हें दे रहा हूं संभाल लो, और दोनों मिलकर यथार्थ सृष्टि करना। दीनों बीज जीव बुन सोई, नाम सोहंग जीव कर होई। बड़ा क्लियर साहब बोल रहे, सोहंग जीव को कहते हैं। सोहंग जाप करने वाले भी जैसे वैसा ही है जैसे आत्मा को सम्मानने वाले। कुछ धर्मों में आत्मा ही प्रमुख है, परमात्म तत्व वो बोल नहीं रहे। शक्ति पुन्तीन पुरुष उत्पाना, चेतन उल्लंघन अभय जाना। पुरुष सेवा बस भय तब अष्टंगी दीन हो। सेवा के आधीन हुए तो अष्टंगी निरंजन को दी। कहा दोनों मिलकर सृष्टि बनाओ। मान सरोवर जाह कहिया, ए धर्मन चीन हो, अष्टंगी कन्या आती ते रूप शोभा अति बनी। परम सौंदर्य में रूप था, परम पुरुष ने उत्पन्न किया। 84 लख जीव मूल बीज ते संग दे। 84 लाख यानी आत्मा दे दी। मूल बीज का मतलब है आत्मा, इसलिए आत्मतम सर्वभूतेषु, हमारे सभी धर्मशास्त्रों में भी यही कहा गया है। यानी मूल दिया आत्मा। यह सब दिनों आज कुमारी मान सरोवर चल भय नारी। आदि शक्ति वो सब लेकर वहां मान सरोवर में जहां निरंजन थे वहां पहुंची। तत्क्षण पुरुष सहज ठहरावा, धावत सहज पुरुष यह आवा। यहां कह रहे हैं साहब ने फिर सहज को बुलाया। धावत कहते जल्दी से दौड़कर, सहज पुरुष लग आवा के पास पहुंचा। जाय पुरुष जाय सहज धर्म पर कहू, दीन वस्तु जस्तुम चहेऊ। हे सहज, निरंजन को बोलना जैसे उसने चाहा था, वो बीज मैंने आदि शक्ति के साथ भेजा है, इसलिए उसे जगत जननी आदि मातेश्वरी भी इसलिए बोलते हैं। मूल बीज तुम पह पठावा, करो सृष्टि सत जस तस मन भावा। बोला मैंने आत्माएं दे दी है, इसलिए तो मैट्रिक्स में भी ये कह रहे हैं आत्मा कहीं से आई है यहां पर। तो वहां से आत्माएं लेकर आदि शक्ति मानसरोवर में पहुंची।
चले सहज तहवा तब आए धर्मवीर जय ठाड़ रहा कहे सुवचन पुरुष को जब ही धर्मराय सरनार तभी जाकर उसको बताया कि इस प्रकार से आदि शक्ति का सृजन किया है, उसके पास में आत्मा है, दोनों मिलकर यथार्थ सृष्टि करना। पुरुष वचन सुन तभी गाजा मानसरोवर आन विराजा। निरंजन मानसरोवर है। आवत कामनी देखियो जब ही धर्मराय मन हर्षो तभी। आदि शक्ति को देखा, कहा देख अष्टंगी केरी धर्मराय इत्रायन हेरी, कहा अनंत अंत कुछ नाही काल मगन भय नरखत ताही। निरंजन उसके रूप को देखकर बहुत अधीर हुआ। निरखत धर्म सो भयो अधीरा, अंग अंग सब निरख शरीरा। इसलिए अभी भी आप देखना मन हमेशा नारी की तरफ झुकता है। साहब तो यहां तक देखा, सुंदर नारी देखकर नर कुकुर सम लपटा है। कुकुर कुत्ते को कहते हैं। कबीर साहब कहीं चूके नहीं है, जो कुछ कहना था कह गए। निरखत धर्म भयो अधीरा, अंग अंग सब निरख शरीर। उसके सौंदर्य को, उसके स्वरूप को देखकर निरंजन निराकार अधीर हुआ। धर्म राय कन्या को ग्रासा, काल स्वभाव सुनो धर्मदासा। उसको कहा ये आत्माएं दे दो मुझे। आदि शक्ति ने कहा ऐसा नहीं बोला है आपको देने के लिए मुझे। निरंजन ने आदि शक्ति को निगल लिया। वाह। धर्मराय कन्या कह ग्रासा, काल स्वभाव सुनो धर्मदासा। आदि शक्ति को ग्रसित किया। आगे साहब क्या बोल रहे, तत्क्षण कन्या कीन पुकारा। उसी क्षण आदि शक्ति ने पुकार की, काल निरंजन की नहारा। तभी धर्म सहज लगाई, सहज शून्य तब लीन छुड़ाई। पुरुष ध्यान कुर्म अनुसारा, मोसन काल कीन अधिकारा, तीन शीश में भक्षण कीना, हो सत पुरुष दयाल चीना। यह चरित्र पुरुष भल जानी, दीनों श्राप कहो बखानी। तो परम पुरुष ने विचार किया, हाँ जब आदि शक्ति को निगला उसने सुरती करके बोला। परम पुरुष ने सोचा हाँ ये तो काल पैदा हुआ, पहले ये कूर्म जी के साथ में भी ऐसा किया और अब इसने आदि शक्ति को भी निगल लिया। अब आप सुनिएगा, यहां आप परम पुरुष की उत्पत्ति आपको समझ में आई साहब की, और उस पर थोड़ा गौर कीजिएगा। यह चरित्र पुरुष भल जानी, दीनों शाप सु कहूं बकानी। लक्ष्य जीव निष्ग्रासन करो, सवा लक्ष्य नित प्रति विस्तरो। ये श्राप दिया, 100,000 जीव रोज ग्रासन करोगे और 1,25,000 उत्पन्न करोगे। तो मुझे एक भक्त ने एक सवाल किया, बोला ये श्राप देकर तो परम पुरुष ने आत्माओं को परेशान कर दिया। मैं कहा नहीं, ये परेशानी तो मन को ही है, निरंजन को है। आत्मा सिर्फ फील कर रही है कि मैं मन हूं। इसलिए मन शापित चीज है, अस्थिर चीज है। आप देखो मन बड़ा बेकार है। अगर आप मेरे प्रवचन में सुनेंगे तो मन पर मैं काफी गहनता से बहुत बोला हूं। पुनकीन पुरुष विचार कि मेट डालू काल को। विचार किया इसको कैसे मिटा दूं। अभी परम पुरुष ने कठिन काल कराल जीवन बहुत करें बिहालो। ये कठिन काल जीवों को बहुत कष्ट देगा। अब परम पुरुष क्या बोल रहे, यह मेटत अब ना बने। यह मेटत अब ना बने बहु नाल एक सुत खोटसा। कह रहे हैं अभी मिटते नहीं बनेगा, क्योंकि 16 पुत्र एक ही नाल से अगर इसको मिटाऊंगा 16 ही मिटाने पड़ेंगे।
एक मेटत सबे मिटे वचन डोल अडोल सो। कहा मेरा वचन अडोल होता है, डोल वचन हमार सो, अब मेटा धर्म का वचन करो प्रतिपाल, देश मोर अब ना रहे। बोला अगर निरंजन को यहां समाप्त कर देता हूं तो मेरा वचन कट जाएगा। इसको 17 चौकड़ी असंख्य युग का राज दिया है। बोला अब ये मेरे यहां नहीं आ सकता है। अब यहां साहब जोगजीत भी साहब को करे परम प्रश्न, अपने को मथा उसमें से साहब को निकालना है। शब्द पुत्र नहीं है साहब, यही रहस्य संसार नहीं समझ सका। धर्म चरित्र सब कहे समझावा, साहब को बुलाया। बोला ये बाकी के बस नहीं आएगा 16 पुत्रों के, तुम जाओ। जोगजीत तुम बेग सिधारो, धर्मराय को मार निकालो, मान सरोवर रह न पाए, अब यह देश काल नहीं आवे। बोला अब इस देश में नहीं आ सकेगा। धर्म के उधर माँ है नारी, तासे कहो निशब्द संहारी। अब क्या कहा कि निरंजन के गर्भ में नारी है, उसको कहो मेरा ध्यान करे, यहां भी साक्षी दूंगा। बहुत से लोग हैं प्रेत बाधा से ग्रसित थे, नाम के बाद उनके पास प्रेत बाधा आदि नहीं आ पाती है। इस तरह जब आदि शक्ति ने वैसा ही किया और साहब ने अब यहां क्या बोल रहे हैं आप वो सुने। जोग जी तब बेग सिधारो, धर्मराय को मार निकालो, मान सरोवर रह न पाए, अब यह देश काल न आवे। धर्म के उधर माए है नारी, तासे कहो निशब्द समारी, जाकर रहो धर्म वह देशा, स्वर्ग मृत्यु पाताल नरेशा। वो सुरती करे बाहर आ जाइए आइए। जोग जी चल भे श्रनाई, मान सरोवर पहुंचे आई। अब वहां साहब पहुंचे, जोग जीत कर देखा जब ही अति भव काल भयंकर, तभी साहब को देखकर काल भयंकर हुआ। पूछा काल कौन तुम आई, कौन काज तुम यहां से लाई, कौन हो क्यों आए हो यहां। जोग जीत अस कहे पुकारी, अहो धर्म तुम ग्रासव नारी। साहब ने कहा तुमने आदि शक्ति को निगला है, आज्ञा पुरुष दीन यह मोई एहते बेग निकारो तुम्हें। बोला तुम्हें यहां से निकालेंगे। मैं अनुराग सागर की कथा उठाया, ये संतत्व की धारा में बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर है। और साहब ने फिर आदिशक्ति को कहा जोगजीत कन्या से कहिया, नारी कहे उधर मैं रहिया, उधर फाड़ अब बाहर आओ, पुरुष तेज सुमरो तह ठावर। बोला उनका कंसंट्रेशन पूरा अपने ध्यान में ले लो और बाहर आ जाओगे। इसलिए साहब वाणी में एक जगह कह रहे हैं, जहां नाम तह कालगत नाही, इसलिए वो नाम की बहुत बड़ी ताकत है। जहां नाम तह काम नहीं, जहां काम नहीं नाम, कहे कबीर कैसे रहे रब रजनी के ठाम। जैसे परमाणु में एक गुण है विस्फोट करता है तो बाकी अणुओं को विस्फोट करते हुए सभी चीजें खत्म कर देता है और परमाणु शेष रखता है, वो बढ़ता जाता है, फिर हीट बढ़ जाती है वहां। इस तरह वो परम पुरुष के अंदर ऐसी ताकत है, उसके कंसंट्रेशन से सब हो जाता है। वही तभी तो कहा एक गुरु इस तरह वहां से अपने कंसंट्रेशन में वो आप में ट्रैप करता है। सुन के धर्म क्रोध उर्ज रहू, निरंजन को बड़ा गुस्सा आया, उर हृदय को कहते हैं। जोग अजीत सो सन्मुख भिरेऊ, भिड़ने का मतलब रहने के लिए तैयार। जोग जीत तब कीनो ध्याना, पुरुष प्रताप तेज उराना, यानी कंसंट्रेशन में साहब ने परम पुरुष की वो शक्ति ली। पुरुष आज्ञा भयित है काला, मारो मांझ लार कराला। बोला इसके मस्तिष्क पर ये वार कर दो। यहां मैं आपको ये उदाहरण और देना चाहता हूं बावन कसनी का। बावन कसनी में सिकंदर लोधी और शेख तकी साहब का कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे। आपको मैं उदाहरण देता हूं, मैंने भी बावन कसनी छपाई है,
ये साहब के 52 कसनी मैंने भी छपाई है, बड़ा पैसा लगा उसमें, फोटो बना, ये नीमा निरुखा नामकरण के समय, आगे मैं 52 कसनी दिखाऊंगा, ये दीक्षा के समय का, गंगा जी के घाट पर बालक रूप में साहब, रामानंद जी के यहां दो रूपों में कबीर साहब प्रकट होना, ये किंवदंतियां नहीं है, सिकंदर के जलन का रोग साहब ने खत्म किया, और सिकंदर की दरबार में साहब का स्वागत, शेख तकी उसी को देखकर व्यथित हुआ, और साहब के पास में हाथी भेजा नाराज होकर के, सब साहब को ही मान रहे थे, तब दो शेर सामने देखकर हाथी भग गया, ये कमाल को जीवित किया। अब ये सड़ी गली लाश थी और कब्र से कमाली को उठाया था, ये शेख तकी की पुत्री थी, समुद्र को हटाकर जगन्नाथ मंदिर की स्थापना की थी, आज भी वहां कबीर कुबड़ी गड़ी हुई है, आप जाकर आशादंड देखना वहां है, अगर आप द्वारका में जाएंगे वहां भी आपको कबीर कोठा मिलेगा, बालू का है समुद्र, उसको कभी भी नहीं गिरा पाता है, कबीर कोठा, कितना भी समुद्र आ जाए उस कोठे को कुछ नहीं कर पाता है। साहब ने संसार में कई कौतुक छोड़े, जगन्नाथ में पंडे के पैर पर वो गिरा था, उसको वहीं काशी में बैठकर ठीक किया, गंगा जी में पंडितों का भ्रम निवारण, गोरखनाथ जी से गोष्ठी की थी, तो गोरखनाथ जी त्रिशूल पर बैठते थे, अहमा सिद्धि थी, हल्का करके वजन, साहब ने डोरा ऊपर फेंक कर डोरे पर बैठे, बोला गोरखनाथ तुम्हारा त्रिशूल तो जमीन पर है, अधर में आ जाओ, जल में गोरखनाथ के पास सिद्धि थी, डुब्बी लगाई मछली बनकर जल में हो गए, साहब ने ढूंढ लिया, और साहब ने कहा अब तुम मुझे पकड़ो, डुब्बी लगाई, गोरखनाथ जी नहीं ढूंढ पाए तो क्या किया, साहब जल में जल रूप हो गए थे, तब वहां यहां साहब से वो दीक्षा ले रहे। ये किंवदंतियां नहीं है, सर्वजीत कमाली संवाद, सबसे बड़ा विद्वान सर्वजीत था जो, उनका संवाद, सुल्तान इब्राहिम आजम को साहब ने साक्षात कर दिया, जेल में डाल दिया था, चक्की खुद घूम रही थी, ठीक है, भैंस के मुख से चार वेद पढ़ाए थे, कबीर चौरा की स्थापना, मथुरा में धर्मदास जी को मिले, मैंने जो 52 कसनी छपाई है बहुत बड़ी बुक है, तो कहने का यहां मतलब था यही ध्यान में ताकत है, गह भुजा फटकार दीनों पढ़ो लोकते न्यार, ये द्वारका जी का कबीर कोठा बालू की टीले पर है, निकसी कन्या उधरते पुन देख धर्मन अडरी, अब न ही देश देखूं वह कहो कौन विद क्या पड़ी, कामिन रही सका है यानी भयभीत। आप देखिए ये द्वारका जी में कबीर कोठा टीले पर बना हुआ है बालू के, कभी भी समुद्र इसकी मर्यादा को कभी भी उल्लंघन नहीं करता, रही सुशीष नवाए आसपास चितमत खड़ी, कहे धर्म सुन आद कुमारी अब जन डरपो त्रास हमारी, निरंजन ने कहा हे आदिशक्ति अब डरो नहीं, पुरुष रचा तो है हमरे का जाओ, तुम्हारी उत्पत्ति का कारण मैं हूं, मेरी तपस्या के कारण तुम्हारा जन्म हुआ,
हम है पुरुष तुम्हारी हो नारी, अब जेंडर पुत्रा संवारी, अब नहीं डरो। कहे कन्या कस बोले वानी, भ्राता ज्येष्ठ प्रथम हम जानी। बोला पहले नाते के अनुसार तो भाई है, और अब तो पिताओं के पेट से निकाला, अब मैं पुत्री भई तुम्हारी। ताते उधर मांझ लियो डारी, ज्येष्ठ बंधु प्रथम है नाता, अब तो हो ओ हमारे ताता। पहले नाते के अनुसार तो बड़े भाई हो, दूसरे नाते के अनुसार पिता भी हो गए, क्योंकि अपने पेट से निकाला। निर्मल दृष्टि चित्वो मोही, नहीं तो पाप होए अब तो ही। कहा मुझे निर्मल दृष्टि से देखो, नहीं तो पाप लगेगा। मंद दृष्टि जन चित्वो मोही, ना तो पाप होए अब तो ही। मंद यानी गंदी नजर से, बुरी नजर से नहीं देखो मुझे। कहे निरंजन सुनो भवानी, या मैं भेद कहूं सैदानी। बोला सुनो, पाप पुण्य डर मैं नहीं डरता, पाप पुण्य का मैं हूं करता। कभी भी देखना ये मन पाप से डरता ही नहीं है। कहा पाप पुण्य का मैं करता, पाप पुण्य हमें से हुई, लेखा मोड़ न लहे कोई। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं, पाप पुण्य यह दोनों बेड़ी, एक लोहा एक कंचन के लिए। पाप पुण्य हम कर पसारा, जो बूझे सोए हमारा। पाप पुण्य में ही मैं सबको बांधूंगा। ताते तो है काम समझाई, सीख हमारा लू शिष्य चढ़ाई। पुरुष दिन तो है हम कर जानी, मानो कहा हमार भवानी। अब यहां क्या हो रहा है, यहां आदि शक्ति को उसने स्वीकार कर लिया, अब त्रिदेव की उत्पत्ति हो रही है, देखिएगा। और आइए, शास्त्रों में नहीं आ रहा है, जब भी देवता व्यथित हुए हैं तो आदिशक्ति के पास पहुंचे। आदिशक्ति के पास पहुंचे भग नहीं कन्या को हतो अश्चरित्र की निरंजना, नसघात किए भगद्वार तत्ण घाट उत्पत्त गंजना। पहली सृष्टि ये हुई नख द्वार से आगे किया, और गर्भ द्वार का स्थापना की। नख रेश से नीच चले आते हैं सब, खास आस आरम्भ बनी, आदि उत्पन्न सुनो धर्मन, कोई नहीं जानत जमननी। त्रिवार की नी रथ भय तब ब्रह्मा विष्णु महेश, यहां उनकी उत्पत्ति हुई है। इसलिए हमारे धर्म में भी उपासना पांच की है, पहला निरंजन निराकार की, दूसरा आदिशक्ति की, तीसरा त्रिदेव की। जेठे विध विष्णु लग होते हैं, तीजे शंभ शेष उत्पत्ति आदि प्रकाश जयविद ते प्रसंग भव। अब साहब कह रहे उत्पत्ति में तुम्हें ये बताया, अग्नि भवन जले आकाशा कुरुण उदरते भयो प्रकाशा, पांचों अंश शांत नीना, तीनों गुण शीशन से कीना, यविद भय तत्व गुण तीनों, धर्म राय तब रचना कीनो। इस प्रकार जगत की उत्पत्ति हुई है, पांच तत्व गुण तीनों दीना, यविद जग की रचना की ना। प्रथम बिंद ब्रह्मा भयव रजगुण पंच तत्व दह दयु, दूजा बिंद विष्णु सो भयव सतगुण पंच तत्व तीन भयो, तीजे बिंद रुत उत्पाने तम गुण पांच तत्व तेसा, पांच तत्व गुण तीन खमीरा, तीनों जन को रचो शरीरा। ताते फिर प्रलय हुई, आदि भेद जानत नहीं कोई। अब आगे आप सुनना थोड़ा सा, कहे धर्म कामिन सुनवानी, जो मैं कहूं ले सोमानी। आदि शक्ति को कहा जो मैं कह रहा हूं वो तुम सुनो, या जीव भी आए तुम पासा, सो ले करो रचना करो प्रकाश। बोला आत्माएं तुम्हारे पास है, आत्मा को शरीर में अभी देना है, इसलिए उन्हें मातेश्वरी कहे। त्रय सुत सोप तो को दीना, अब हम पुरुष सेवा से दीना। राज करो तुम लेते हैं बारा, भेद ने कहिए कहां हमारा। अभी आदि शक्ति को यहां क्या कहा, मेरा भेद किसी को नहीं बोलना। मोर दर्श त्रिसुत नहीं पावे, जो मैं खोजत जन्म सुरावे। ऐसा मता धड़ाओ जानी, पुरुष भेद नहीं पावे प्राणी। ऐसा चलाना संसार में परम पुरुष का भेद कोई नहीं जान पाए, इसलिए आत्मा अपने अधिष्ठा का भेद नहीं जान रही है, कारण है। अब साहब क्या कह रहे, कहे बहुत बुझाए देव गुप्त भय तब आए। ये सब चीज आदि शक्ति को बोलकर, निरंजन निराकार जो खुदा या जिसको परमात्मा कह रहे हैं, गुप्त हो गया। कहा मुझे कोई नहीं देख सकेगा, शून्य गुफा निवास कीनो, भेद लहे को होता है।
वो शून्य में समा गया, इसलिए सर्वव्यापी ब्रह्म कहा गया। वह गुप्त भयोपन सब ही संग सबके, आप देखें वह गुप्त भय पुन संग सबके मन निरंजन जानिए, मन ही निरंजन, मन ही ओंकार, मन ही करता रहा, मन पुरुष भेद उच्छेद देवे आप प्रकट आनिए। हमेशा मैं ध्यान के समय लोगों से कहता हूं, मैं कहता हूं कि आप देखना आपके ध्यान को छेदने वाला मन ही है, तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। जीव भय मतहीन परस अगम सो काल को, इस तरह समस्त जीवों ने इसी काल पुरुष को परम पुरुष माना। अभी जो मत मतांतर काल का देश दयाल का देश बोल रहे हैं, सब ये थ्योरी साहब की है, उनके पास अपना कुछ नहीं, कुछ वहां से लिया, कुछ यहां से लिया, कुछ कहीं से लिया, चला दिया अपना पंथ। जब पूछो अधिष्ठा कौन है तो पता नहीं है। जीव सतावे काल नाना कर्म लगाए के, आप चलावे चाल कष्ट दे अपने जीव को। इस तरह से जीवात्मा इसके अधीन आई। क्षमा चाहता हूं, समय हो रहा है, कल पुनः मैं इस प्रसंग को क्रमबद्धता से उठाऊंगा साहेब।